हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी विस्कीपीडिया। मैं हूं आपका होस्ट, मैं स्वागत करता हूं आप सबका इस नई वीडियो में। दोस्तों, अभी लीकर शॉप पे गया था और लेके आया हूं आप सबके लिए एक नई विस्की। जो मैं लेके आया हूं वो करवाएगी सैर आपको और मुझे तारों की। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा स्टार वॉकर विस्की। अभी ली है मैंने लीकर शॉप से। पहले हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, फिर करेंगे रिव्यू। और दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि ये जो मेरा रिव्यू है इस वीक का लास्ट रिव्यू है। उसके बाद जो नेक्स्ट वीक है उसमें आ जाएंगे नवरात्रे, उसमें मैं कोई भी रिव्यू नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद से, नवरात्रों के बाद से मेरे रेगुलर रिव्यूज आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, थोड़ी सी जानकारी शेयर कर देता हूं मैं इसके बारे में, स्टार वॉकर विस्की के बारे में। इसको जो कंपनी बनाती है ये है ओएसिस लिमिटेड, जिसके और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारी मार्केट में, जिसमें से ऑलरेडी दो प्रोडक्ट का मैं रिव्यू कर चुका हूं अपने चैनल पे। एक तो है ओपीएम वोडका और दूसरा प्रोडक्ट है ऑल सीजन विस्की। जी हाँ, ये उसी कंपनी का प्रोडक्ट है। ये कंपनी का फ्लैगशिप प्रोडक्ट है दोस्तों, काफी अच्छा प्रोडक्ट उन्होंने निकाला है। अब दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं ऐसे न्यू प्रोडक्ट्स लाने का क्या मकसद है मेरा दोस्तों आप सबके लिए। मकसद यही है कि आप जब भी लीकर शॉप पे जाए, वाइन शॉप पे जाए, तो आप अपने बजट में एक बढ़िया विस्की ले सके। इसीलिए लाया हूं मैं आप सबके लिए ये विस्की। प्राइस जो इसका है ये है 1000 रुपीज मेरी सिटी में, आपकी सिटी में भी ये इसी प्राइस रेंज में बैठेगी। दोस्तों, कंपनी ने इसके ऊपर क्लियरली मेंशन किया हुआ है, आप सब लोग देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, अल्ट्रा प्रीमियम ब्लेंडेड विस्की। इसका मतलब है कंपनी ने इसको एज अ अल्ट्रा प्रीमियम प्रोडक्ट के रूप में उतारा है बाजार में। ये जो प्राइस रेंज है ये क्या है, ये आती है 1000 से लेके 1200-1300 तक। ये जो प्राइस रेंज है ये है अल्ट्रा प्रीमियम विस्की की रेंज है। इसमें एंटीक्विटी वगैरह आती है, ये सीधा उनके साथ जो है टक्कर लेगी मार्केट में। ये आप पढ़ लीजिए, इस पे क्लियरली मेंशन है ओल्ड कास्ट कलेक्शन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कंपनी ने जो पुराने कास्क लिए हैं जिसमें ऑलरेडी बढ़िया स्कॉचिस को मैच्योर किया गया है, उसमें इसको डाला गया है, उसका नेचर भी इसमें आया हुआ है। और उसके नीचे इसमें मेंशन है क्राफ्टेड विद इंपोर्टेड वेटेड माल्ट स्पिरिट्स। अब वेटेड माल्ट स्पिरिट्स क्या होते हैं, वेटेड माल्ट स्पिरिट्स अगर हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बोल दें तो वो है प्योर माल्ट को वेटेड माल्ट भी बोलते हैं। इसका मतलब है कि इसमें वो विस्की का यूज किया गया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मॉल्ट्स का ही यूज किया गया है, ग्रेन का यूज नहीं किया गया है। ये काफी अच्छी बात है, 12 इंटरनेशनल अवार्ड्स इसने जीते हैं दोस्तों। तो ये थी इसकी बारे में बातें। अब करते हैं अब इसकी अनबॉक्सिंग और 360 व्यू, और बताता हूं आपको उसके बाद कि कैसी है ये पीने में, क्या है इसकी नोज और कैसा है इसका टेस्ट। तो चलिए जल्दी से फटाफट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, इसका 360 व्यू और अनबॉक्सिंग। तो ये है बॉक्स स्टार वॉकर विस्की का। सबसे पहले जैसे ही आप बॉक्स को देखोगे, पकड़ोगे, तो आप देखोगे कि इतना बड़ा बॉक्स है, ये काफी बड़ा है नॉर्मल बॉक्स से, काफ़ी इन्होंने बड़ी पैकिंग दी हुई है। एक कारण ये भी है कि इसमें एक फ्री गिफ्ट है, साथ में एक ग्लास है, वो मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाऊंगा। राइट हैंड साइड पे जो है ये मेंशन है इसकी एमआरपी और उसमें क्या कुछ डला हुआ है। पहले एमआरपी दिखा देता हूँ आपको। एमआरपी जो ऊपर मेंशन है ये है 851 रुपीस, लेकिन ये मुझे पड़ी है 1000 रुपीस की पंजाब में। आपकी सिटी में ये क्या कॉस्ट करती है मुझे बताइए। यहाँ पर सारी डिटेल्स मेंशन है दोस्तों, कंपनी ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है फाइन ब्लेंडेड विद ग्रेन न्यूट्रल अल्कोहल, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि इसमें मोलासेस नहीं पड़े हुए हैं, जो भी इसमें न्यूट्रल स्पिरिट्स पड़े हैं वो ग्रेन से बने हैं। ये मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी इसके प्राइस को देखते हुए। इसने जो है दोस्तों 12 इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते हुए हैं, ये भी एक काफ़ी बड़ी बात हो जाती है इस प्राइस रेंज में। तो चलिए अब मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ कि गिफ्ट कौन सा साथ में, करते हैं इसको ओपन। तो ये है दोस्तों जो गिफ्ट है साथ में, गिफ्ट जो बीच में आया है ये है एक ग्लास। तो चलिए इसको करते हैं ओपन अब।
पहले गिफ्ट दिखा देता हूँ। ये है दोस्तों गिफ्ट जो साथ में आया है, एक ग्लास है, काफ़ी अच्छे से इसके ऊपर स्टार वॉकर मेंशन है, बहुत ही प्यारा ग्लास है। अभी इसको रखते हैं साइड में। एक्चुअली जो है फेस्टिवल्स भी आने वाले हैं तो कंपनी ऐसे गिफ्ट्स देती रहती है। तो दोस्तों ये है बॉटल स्टार वॉकर विस्की की, ये देख लीजिए, काफ़ी अच्छी बॉटल है, काफ़ी लॉन्ग डिज़ाइन है इसका, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। कलर भी इसका काफ़ी अच्छा है, इसमें जो है दोस्तों बिल्कुल भी मोलासेस नहीं पड़े हुए हैं। ये है इसकी बैक साइड, 750 ml की बोतल है दोस्तों, 42.8% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इसमें अल्कोहल स्ट्रेंथ है और 75% प्रूफ है। तो ये थी इसकी अनबॉक्सिंग, अब जल्दी से करते हैं टेस्ट और नोजिंग, बताता हूँ आपको कैसी है ये पीने में। तो ये तो थी दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग और 360 व्यू, अब करते हैं इसको ग्लास में पोर और बताता हूँ आपको कैसी है ये पीने में। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, इससे अगली जो वीडियो होगी वो होगी कंपैरिजन बेस्ड वीडियो, उसमें मैं बजट विस्की का कंपैरिजन करूंगा, मैं करूंगा कंपैरिजन इंपीरियल ब्लू विस्की का और सोलर नंबर वन का, इन दोनों का मैं करूंगा कंपैरिजन अपनी अगली वीडियो में। और दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अब करते हैं इसको ओपन और करता हूं इसको ग्लास में पोर। तो ये तो है इसकी सील, अब करते हैं स्टिकर को उतारते हैं और ओपन करता हूं मैं इसको। तो चलिए ये हो गई ओपन, अब मैं इसको डालता हूं अपने ग्लास में और दिखाता हूं आपको कि कैसा है इसका कलर और कैसी है इसकी बॉडी, कैसी है बताता हूं आपको। तो ये है दोस्तों कलर, आप देख सकते हैं काफी अच्छा लाइट कलर है, काफी डार्क कलर नहीं है। और जो इसकी बॉडी बन रही है ये मीडियम लाइट बॉडी बन रही है, काफी जल्दी से इसके जो है लेग्स नीचे आ रही हैं, काफी ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है उनको नीचे आने के लिए, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए अब करता हूं इसकी नोजिंग और बताता हूं आपको कि नोजिंग में ये क्या नोट्स दे रही है ये। सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों, मुझे मॉल्ट्स का इसमें से हिंट आ रहा है जो कि काफी अच्छी बात है, काफी अच्छा मतलब मॉल्ट्स का फ्लेवर आ रहा है बीच में से। हल्का पीट का फ्लेवर आ रहा है, जो है इस प्राइस रेंज में पीट का फ्लेवर मिलना काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन इन्होंने ये बात करके दिखाई है जो कि काफी अच्छी बात है। मॉल्ट्स का फ्लेवर आ रहा है, पीट का फ्लेवर आ रहा है इसमें से। और काफी अच्छी फ्रूट्स की फीलिंग आ रही है, काफी फ्रूटी लग रही है ये मेरे को नोजिंग में, तो काफी अच्छी नोजिंग आ रही है इसमें से। प्राइस को देखते हुए काफी अच्छा प्रोडक्ट लग रहा है दोस्तों, बार बार मैं यही चीज इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप लोगों को भी लगे कि हाँ ये एक अच्छी चीज है और आप जो है अपने आप को ब्लेंडर से, ब्लेंडर ट्राई डिजर्व से ऊपर उठा के कोई ऐसी चीज ट्राई करें जो कि अच्छी है आपके लिए, आपके बजट में वो बढ़िया है। तो चलिए अब मैं इसको पैलेट पे लेता हूं और बताता हूं आपको कि कैसी है ये पीने में, कैसी है। दोस्तों पैलेट पे सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे इसमें अब जो है हिंट ऑफ स्मोक मिल रहा है, जो कि इसके बॉक्स के ऊपर भी मेंशन है, जैसे कि इसको जो ऐसे बैरल्स में डाला गया है जो कि दो बार जिसको चारकोल के साथ अंदर से जलाया गया हो, काफी अच्छी स्मोकी फीलिंग आ रही है इसमें से। और थोड़ा सा जो है हनी का टच मिल रहा है मेरे को, जो बार में जब नीचे जा रही है तो हल्का हनी का एहसास दे रही है ये मेरे पैलेट को। फ्रूटी फीलिंग है, बर्न इतना नहीं दे रही है, काफी अच्छा प्रोडक्ट है। मॉल्ट्स और ग्रेन की पूरी फीलिंग आ रही है इसमें, ऐसा लग रहा है कि मैं कोई अच्छी वेल जो है प्राइस्ड
स्कॉच विस्की को ट्राई कर रहा हूं, जैसे आप इसको इजीली कंपेयर कर सकते हैं वैट 69 के साथ, 100 पाइपर के साथ। हालांकि इसका जो प्राइस है वो काफी कम है उनसे, वो आती है 14, 15, 1600 की रेंज में, ये आती है 1000 की रेंज में, लेकिन उस हिसाब से प्राइस के हिसाब से ये पूरी उनको कंपेयर कर रही है, पूरी उनके साथ बैठी हुई है टेस्ट के मामले में, नोजिंग के मामले में। दोस्तों आप इसको जरूर ट्राई करिए और बताइए मुझे कमेंट्स में कि आपको कैसी लगी है पीने में, आपका जो एक्सपीरियंस क्या रहा है इसको पीने में। तो ये तो थी दोस्तों आज की वीडियो, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, टिल देन चीयर्स, पियो और जियो।